आदरणीय साइंटिस्ट विनय वर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो में। सर, मैं जानना चाहूँगा आलस से कैसे बचे सर, क्योंकि आपके में तो बिल्कुल आलस नहीं है सर। मैं हमेशा देखा हूँ आप गर्मी में भी यहाँ बैठे रहते हैं, बताइए सर क्या कैसे। मैं पहले बहुत आलसी था सर, लेकिन जब आदमी के ऊपर जिम्मेदारी आती है ना तो आलस सब भाग जाता है। मतलब जिम्मेदारी का होना जरूरी है। जरूरी है, भले आप चुड़चुड़ाओ कुछ भी करो लेकिन आलस बस मत। और इसको भगाने का तरीका क्या है सर? भगाने का तरीका ये है, जैसे आप कोई भी एक काम कर रहे हो, आपको काम करते करते अगर आलस आ जाए तो उसको भगाने का एक तरीका ये है कि आप दूसरे जगह ध्यान लगाओ। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिमाग को दूसरे तरफ दौड़ाओ। और ये पढ़ाई वाले लोग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। कई बच्चों को मैं देखा हूँ कि पढ़ते तो है वो, बोलते हैं मेरे को वो याद नहीं होता है। इसका मुख्य कारण ये कि आपको आलस आ जाता है तो आप दूसरे तरफ माइंड को घुमा, मतलब डाइवर्ट कर दीजिए, माइंड डाइवर्ट करो। आश्चर्य की बात है सर, आपने एक मिनट 50 सेकंड में ही। हाँ, आपको जोर मत दो, आँखों को जोर मत दो, जबरदस्ती तो आपका काम बनेगा। हम आती नहीं रहेगा तो आप उतना पढ़े लिखे रहोगे तो उसको कोई काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने 2 मिनट 10 सेकंड के ही वीडियो में इसमें एक्सप्लेन कर दिया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आलस कैसे दूर करें, इस वीडियो का टाइटल, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, धन्यवाद।